हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट कार्निवल। तो भाइयों, कैसा लगा 1990 की यात्रा करने के बाद? कल टाइम मशीन में बैठ के 1990 में ही तो गए थे हम, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये तो 1990 में ही खेली जाती थी, ये अभी तो खेली नहीं जाती। क्या कर रहे थे कल श्रीलंका वाले? इतना स्लो खेला कि भैया 230 रन ही बोर्ड पर लगे, लेकिन फिर भी मैच टाई हो गया। एक तरफ हमारे शर्मा जी ने बनाया 46 बॉल में 58 रन, और दूसरी तरफ पदुम निशंका ने बनाया 75 बॉलों में 56 रन। लेकिन भैया मामले जो है नीचे आके स्लो हुए, और इसका पूरा क्रेडिट अगर एक बंदे को जाता है तो वो है जी मैन ऑफ द मैच वेरा लागे। उन्होंने मैच जीतने के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैच टाई करने के बाद, माफ कीजिएगा, जीत खैर उनके लिए टाई जीती है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए मैंने इंस्पिरेशन ली थी पदुम निशंका से, क्योंकि उन्होंने ऊपर जिस हिसाब से स्लो बैटिंग की थी मुझे समझ में आ गया था कि पिच तो स्पिनर की है, यहाँ पे बस आराम से टाइम बिताना है, पार्टनरशिप बनाना है, और उनके बॉलर्स भी बहुत एक्सपीरियंस है, बस इधर उधर से एक आध चौका ढूंढेंगे तो आराम से 230-240 के आसपास पहुंच गए तो कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। तो ये थे बुले लगे का स्टेटमेंट। अब उन्होंने वही किया, उन्होंने उसी बात पर अमल किया, उसके बाद में अपनी बॉलिंग पर उन्होंने कहा कि देखो पिच तो स्पिनर्स की थी, हमें बस हमारी लेंथ टाइट रखनी थी, और वही हमने किया। हसरंगा और असलंका को क्रेडिट देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए मैच हमसे दूर जा रहा था और उन्होंने बड़े ही क्रूशियल टाइम्स पर हमारे लिए विकेट गिराए, जिसकी वजह से हम मैच के अंदर वापसी कर पाए, और फिर जो हमने अचीव किया वो आप सभी के सामने है। अब देखिए भैया, यहाँ से एक चीज तो है कि श्रीलंका के पास टैलेंट है, बच्चे तो है, बस अब वो बच्चों को अच्छे से जवान करने की जरूरत है, उनको अच्छे से नर्चर करने की जरूरत है, और वहीं पर श्रीलंकन क्रिकेट जो है फ्लॉप हो जाता है। वही हुआ था चंदीमल और मैथ्यूज के साथ, और अब वही मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है पदुम निशंका, दुमत वेलालाके, वनिंदु हसरंगा, चरत असलंका, इन सब के साथ भी। अब देखना पड़ेगा जी, पहला मैच टाई किया है, उनके लिए जीत से कम नहीं है, इसलिए हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। बाकी अब देखना पड़ेगा कैसे वापसी कर पाती है श्रीलंका, और क्या ये जीत उनकी, ये टाई जो है उन्हें कुछ इंस्पायर कर पाएगा बड़ी चीज अचीव करने के लिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।